कसावन नगर में न्यू बस स्टैंड पर अखिल भारतीय कांग्रेस एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा तीन बिल कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र यादव, पप्पू सोनी, शिरीष जायसवाल, अनिल यादव, इंद्र सिंह राठौर, ओम प्रकाश पाटीदार, पकन सर, शहीद हेडली, शफी खान, फिरोज नेता, देवदत्त एकल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्र सरकार द्वारा जो कानून लगाया गया है यह काला कानून तथा किसान विरोधी कानून है। आए दिन लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, इनका दाम आसमान छू रहा है। इससे आम आदमी किसान काफी परेशान है। किसान पहले से ही प्रकृति की मार झेल रहे हैं और नया कानून किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथीगण, किसान साथियों, आप सब जानते हैं केंद्र सरकार ने कृषि बिल में जो तीन संशोधन किए हैं उनके खिलाफ दिल्ली में किसानों का बड़ा आंदोलन जारी है। उसी आंदोलन के पक्ष में आज हम सब लोग इकट्ठे होके उन किसानों की ताकत बनने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत में धरना आंदोलन का जो आयोजन किया है उसी तारतम्य में हम सब किसान साथी उन हमारे किसान भाइयों के लिए और जो काला कानून केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी जो काला कानून लेकर आई है जिससे किसान बर्बाद होने वाला है और इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति अडानी और अंबानी जो इस देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए केंद्र की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कानून लेकर आई है उस कानून के खिलाफ आज हम सब धरने पर बैठे हैं और हम उन किसान साथियों के साथ हैं और किसानों के इस काले कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेगी कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ थी और सदैव किसानों के साथ रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ताकि किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े। ये डीजल पेट्रोल की और महंगाई की जो कीमतें बढ़ रही है, आसमान छू रही है, उस बारे में कांग्रेस का क्या कहना? पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बेहिसाब मोदी सरकार बढ़ा रही है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम होती जा रही है। उसके बावजूद ये अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाते हैं तो किसानों का माल ट्रांसपोर्टिंग में जो जाता है उस पर किसानों का अतिरिक्त भार आएगा, वो किसानों का मूल्य में से कटता है, इसलिए किसानों पर अतिरिक्त भार आ रहा है। इसलिए ये महंगाई केंद्र सरकार ने कम करना चाहिए। कैमरामैन संदर्भ में दिया आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को निर्देशित किया गया था कि आज जो दिल्ली में केंद्र की सरकार के द्वारा जो तीन बिल काला कानून लाया गया है उसके खिलाफ हमारे किसान साथी जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पक्ष में और देश में डीजल पेट्रोल और गैस के जो दामों में अतहासा वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यहाँ धरना आंदोलन दिया है और हमारा सबका एक ही मत है कि इस देश में डीजल पेट्रोल और गैस के दाम कम किए जाएं ताकि किसानों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े और हमारे किसान हमारा अन्नदाता उसको आज जो प्रकृति की मार भी झेल रहा है और साथ में सरकार लगातार उस पर ये मूल्यवृद्धि करके एक जो अतिरिक्त बोझ भोग रही है उसको कम किया जाए इसी को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सहयोग द्वारा ये धरना आंदोलन प्रदर्शन सभी साथियों के द्वारा किया गया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।